गुड मॉर्निंग है आप सबको भाई। डे टू है, टाइम हो गया 11। तो कल रात को यार जैसे बताया था पिछले व्लॉग में, रात को 1:30 बजे आए थे, होटल ले लिया था। अगर आप नहीं देखा रहो जरूर देखो। और हमारे फ़िलहाल मनाली में, और भाई थोड़ा सा व्यू चेक करो आप यहाँ से, ये देखो। भाई ये है व्यू यहाँ से, कुछ सीधा अपने नदी है सामने, और अपनी गाड़ी भी सामने ही खड़ी थी भाई। बाकी अभी प्रोग्राम है सिसु वगैरह जाने का, थोड़ा बर्फ़ बर्फ़ देखने का। तो फटाफट रेडी होते हैं, नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि देखो हार्डली 2-2.5 घंटा लग रहा है मेरे ख्याल, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं। तो अपना इसलिए आराम से कर रहे हैं, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो 2-3 बजे तक पहुँच गए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार गाड़ी तक आया था तो मैं आपको गाड़ी के पीछे देखो व्यू दिखाता हूँ, रात को दिखा नहीं था। ये देखो ये रोड है मेन, और ये भाई साहब नदी आ रही है पूरी। और पीछे रिसेंटली मनाली में वो आई थी ना, फ्लड्स वगैरह भी आई थी, तो भाई वो यही नदी थी। और बाकी अभी तो खैर काफ़ी शांत है, तो यार गॉड बस ब्रेस बनाए रखे और ये फ्लड्स वगैरह से हमें दूर रखे। बाकी भाई धूप निकल रही है बढ़िया यहाँ, तो सीधी साइड देखते हैं क्या होगा। लेकिन पहाड़ों में भी सुबह सुबह ठंड हो रही है ना, तो धूप बहुत अच्छी लग रही है। यार मैं ऐसे ही बैठा था यार तैयार होके अपने बाकी सबको वेट करने के लिए। भाई ये रोड है ना, अभी यहाँ से गई 5 डोर थार जो टेस्टिंग चल रही है महिंद्रा की। और भाई एक वो दूँ गुड न्यूज़ कह लो भाई, 5 डोर थार में सनरूफ थी, छोटे वाली आती है ना, जैसे वो जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट में आती है, वरना में आती है, ऐसी थी। तो भाई थार में भी सनरूफ आ गई यार, भाई रूबी कौन सी बढ़िया हो जाएगी फिर तो। भाई मेरे को तो बहुत वेट है उस गाड़ी का, 5 डोर थार ना मोस्ट अवेटेड गाड़ी है इंडिया में राइट नाउ। तो भाई बता दो कौन कौन लेना। आ रहे हैं, और क्योंकि आगे यार पेट्रोल पंप का हमें पता नहीं मिले ना मिले, तो आगे कह रहे हैं सिसु कोकसर रोहतांग तो बंद बता रहे हैं। बाकी एक बार आके फिर कंफर्म कर लेंगे किसी से। आगे हम सोच रहे हैं अपना सिसु और कोकसर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्नो है 100%, ये सब कह रहे हैं लोकल वगैरह से बात हुई है। वादियों के बीच में हमने रोक लिया गाड़ी अपनी, अभी मनाली से 5-1 किलोमीटर शहर निकले होंगे। और यार यहाँ नाश्ता करने के रुके थे, क्योंकि भाई वही खाली पेट ना अपना क्या कहते हैं सर घूमता है या फिर जी खराब होता है, तो ऐसा है कि कुछ पेट में होना तो ये चीज़ नहीं होती। तो यार अपना रिकमेंडेड है कि भाई खाना खा के ही अपने पहाड़ों का सफ़र करा करो। बाकी भाई धूप निकल रही है बढ़िया अटल टनल के उस तरफ, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि कहते हैं वहाँ दुनिया पलटती है। और हमारा खाना वाना हो गया है, अपने यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी ना ये जैकेट वैकेट तुम देख रहे हो, तो भाई जो फर्स्ट टाइम वो है ना आते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि यार ऊपर जैसे भी देखो स्नो वनो कुछ नहीं है, धूप बढ़िया है, तो तुम्हारी जो अपनी जैकेट होती है ना उसमें ही काम चल जाएगा। लेकिन मनाली से जैसे निकलोगे ना, ये लाइन से दुकानें हैं ये जैकेटों की, वो जो स्नो बूट्स वगैरह सबकी, वो भाई क्या करेंगे तुम्हें, कहेंगे कि ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो है, तुम्हारे कपड़े का वो ठंड लगेगी, ये है वो है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। और वही 200-300 जो भी रेट होता होगा इनका, और वो ड्रेस बेचेंगे। अभी दुनिया मैंने इतनी देखी है इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के, लेकिन यहाँ ठंड तो है ही नहीं इतनी, मैं खुद सिंगल शर्ट में बैठा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो अपना, कि जो फर्स्ट टाइम आ रहा है कि अपना तो दिख रहा है वो कि बर्फ़ है या ठंड है, जब लिया करो इनसे, वरना मत लिया करो। बर्फ के अवशेष मिले हैं थोड़े से, थोड़े बहुत हैं, होप्सो के ऊपर पूरी रोड पे मिल जाए कि भाई बर्फ जहाँ मजे आ रहेंगे अगर बर्फ मिल गई तो। बाकी काफी अच्छी है ये, देखो पीछे तक है पूरा, दिख रहा है, सही है यार, काफी बढ़िया लग रहा है। तो भाई हमारी अटल टनल आ चुकी है देख लो, और पुलिस वाले ने रोक दिया है हमें यहाँ पर। यार यहाँ पर अटल टनल पर रुके थे चेकिंग के लिए, तो कह रहे सिलेंडर अलाउड नहीं होता, वो अंदर फ्लेमेबल चीज है ना, तो टनल पर दिक्कत होती है, तो सिलेंडर हमने यही रखवा दिया है। बाकी गाड़ी में चेक हो गई है। तो भाई अटल टनल है, ये है एशिया की सबसे बड़ी टनल, 9 किलोमीटर अराउंड समथिंग कुछ है। तो आपको इसके शॉट दिखाते हैं। यार ये क्या है, हम सोच रहे मैगी वैगी बना लेंगे, लेकिन सिलेंडर अलाउड नहीं है, वही भाई सेफ्टी अपनी सेफ्टी पर्पज़ है, तो कोई नहीं। बाकी धूप बढ़िया निकल रही है यहाँ, तो उस साइड देखते हैं क्या होगा।
ख़त्म, देखते हैं आगे क्या मिलेगा, लेकिन जो दिख रहा है वो तो सूखा ही दिख रहा है। सूखा है भाई, बर्फ दिखी, थोड़ी सी बर्फ है, बहुत कम। ये देख लो आप यार, क्या हो गया पहाड़ों। ओए होए 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 होए, साइड देखो, ये देखो भाई क्या हो, नो पार्किंग है भाई यहाँ। और लेकिन बर्फ देखो क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। नीचे देखो बर्फ, नीचे भी बर्फ है। हाँ नीचे भी बर्फ है और सामने देखो वहाँ भी बर्फ है। देखते हैं कहीं फोटो पॉइंट हो ना बढ़िया, जहाँ पर बर्फ में फोटो खिंचवा सकते हैं तो बेटर रहेगा, वरना अपने कोक्सर चल देंगे सीधा। और ध्यान रखना यहाँ होटल टनल से निकलते ही ना नो पार्किंग का चलान है, वो हमारे होटल वाले ने भी बोला था, तो भाई उस चीज़ का ध्यान रखना कि पार्किंग मत लगाना। हाँ यहाँ नीचे फोटो खिंचवाएंगे, वो गाड़ियाँ खड़ी है ना, यहाँ चलते हैं नीचे क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी स्नो है। मेरा अपना नॉर्थ पोर्टल होटल टनल से वो एग्जिट होती है, और भाई यहाँ से यार व्यू चेक करो भाई, बहुत गाड़ी हार, बहुत ज़्यादा ठंड है कसम से, मैंने तो छट जैकेट निकाल ली, लेकिन इतनी भी नहीं है यार कि मैं पहले बोल रहा था ना कि ऐसे ये लोग हैं ये जो वो वाली जैकेट लेके बैठे हैं। भाई अपनी जैकेटों में काम हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो मैं इतना डरा देंगे, लेकिन वो एक टाइप से नेगेटिव है यहाँ का, लेकिन तो पॉजिटिव देखो, यहाँ के व्यू देखो यार। और आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी भाई, क्योंकि हवा तेज़ है बहुत ज़्यादा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। ये देखो हवा चल रही है ना, मजा आ रहा है कसम से भाई, और ऊपर से व्यू देखो आप। अभी कोशिश करेंगे कोक्सर भी जाएंगे, और कोक्सर में कह रहे हैं कि और ज़्यादा बर्फ़ है, बाकी यार हमें तो यही मज़ा आ गया भाई। रूट को छोड़ के भाई देखो कितना सीनिक है, हम जा रहे हैं कोक्सर की देख रहे हैं, कोक्सर में अगर ज़्यादा बर्फ़ हुई तो वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे, वरना यहीं वापसी आ जाएंगे। कोक्सर यहाँ से मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है, 7 किलोमीटर का। बाकी भाई हाँ मज़ा आ गया कसम से, आप देखो जैसे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाली कोई फील हो ना, मूवीज़ वाली वो चीज है। यहाँ देखो यहाँ पर और ज्यादा नीचे बर्फ है जाने का, लेकिन वो यार नीचे जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से जा सकते ना तो है हाँ, आर्मी पोस्ट है, मेन रोड से नहीं है। कोई नहीं, देखते हैं भाई आज तो खोज के जानी है बर्फ चाहे कहीं मिले। बाकी यार रूट देखो कितना ऐसा लग रहा है भाई, कहीं जन्नत में जा रहे हैं देखो भाई साहब। जमा हुआ है प्रॉपर ना, कितना सही लग रहा है। और आगे यार नज़ारे अच्छे होते ही जा रहे हैं, मैं पता नहीं कितना रिकॉर्ड करूँ कितना ना करूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आप देखो जी देख लो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये झरना खासकर। तो यार ये अपनी कोक्सर की पार्किंग, यहाँ कोक्सर है ये सामने दिख रहा है, थोड़े बहुत होम स्टेज हैं, थोड़ा बहुत अपना वो है रेस्टोरेंट वगैरह, आगे पुलिस वाले ने वो कर रखी है बैरिगेटिंग की, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, बर्फ़ है रोड पर, तो गाड़ी हमने यहीं लगा दी। थोड़ा पैदल देखते हैं आगे कहाँ तक जाया जाएगा, फिर आपको भी दिखाते हैं। तो भैया अपने पैदल निकल चुके हैं, बाकी यार किसी को अगर होम स्टे वगैरह चाहिए हो या नंबर ये रे कैंप के नंबर ये रे अपने देख लेना भाई। बाकी कह रहे हैं कि यहाँ 4 बजे के बाद तो पैदल भी नहीं जा सकते, जैसे हम यहाँ बैरिगेटिंग वाले पैदल आ गए ना, तो 4 बजे के बाद पैदल भी नहीं जा सकते, और कह रहे हैं 4 या 5 बजे ना यहाँ सब बंद हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल सुनसान हो जाएगा, क्योंकि भाई ठंडी इतनी है यहाँ, तो दिन का टाइम है जब इतना है, तो सोच लो रात होने के बाद जब बिल्कुल सूरज छुप जाएगा तब तो भाई यहाँ खड़ा नहीं हो जाएगा कसम से। टोपा टोपा सब कुछ डाल लिया, मोटी जैकेट डाल ली है, बाकी बढ़िया अपन देख के आते हैं आगे कितना चलेंगे पैदल। ये देख लो यार तुम पास से बर्फ, बिल्कुल शीशा जमा हुआ, बिल्कुल शीशा, ये देखो भाई साहब। ओके हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं रोड से, हाँ ये देखो आओ
चलो चलते हैं ऊपर चलते हैं। क्या बात, मैंने देखा जहाँ पर थोड़ा हाइट ज़्यादा होती है ना सांस ज़्यादा फूलती है। हे है भाई, देखते हैं और कितना आगे चलते हैं। हम वॉक करते करते आ गए हैं ये कोक सबसे थोड़ा आगे। बाकी यार ये आगे देखो भाई, ये जहाँ तक वो गाड़ी दिख रही है ऊपर, ये यहाँ पर कहीं, हाँ ये यहाँ तक रोड दिख रही है। तो यार इतना आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो ये सेम नज़ारे हैं जो यहाँ हैं और वहीं हैं। बाकी भाई दिल खुश होने वाली जगह है यार, आप भी ज़रूर प्लान करो भाई साहब, मज़ा आ रहा है। बस ठंड थोड़ी ज़्यादा, लेकिन जिन्हें ठंड पसंद है ना, जो पहाड़ों के लवर है जैसे मेरे जैसे यार, उनको काफ़ी मज़ा आएगा, सही में बता रहा हूँ मैं। क्योंकि देख लो यार व्यू वगैरह सारे अपने आर पार है। अगर आपको थोड़ा सा ये देखो, एक बात और देखो, यहाँ इन पहाड़ों पर पड़ रही है धूप, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं है, ऐसा नहीं है पड़ी नहीं है, यहाँ की पिघल गई सारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना वो बर्फ़ वगैरह पड़ गई है, सॉरी बर्फ़ क्या कह रहा हूँ मैं, सर्दी के मारे ना कुछ ना कुछ निकल रहा है। हाँ यहाँ पर क्योंकि धूप हो गई है तो पिघल गई है बर्फ़ सारी, ये देखो ये पिघल पिघल की बर्फ़ आ रही सारी, इतनी पिघल रही है आगे से। बाकी इस साइड धूप नहीं है तो इसलिए यहाँ पर बर्फ़ है। यहाँ देखो आप, ये थोड़ा सा पैच है ना, यहाँ स्की करा रहे हैं भाई। यहाँ बेवकूफ़ बनाने के इतने तरीके हैं ना लोग, क्या बताऊँ कि पूछ रहे लोगों से, जैसे यहाँ तक देख लो इतनी बर्फ़ है, कहेंगे ना भाई वो जैसे फ्रेश पाउडर वाली स्नो होती है वो कहाँ है। ये रहा, आप हमारे साथ चलो, 2500 रुपये सवारी है, आप हमारे साथ चलो बर्फ़ दिखा के लाएंगे। इनके ऐसे स्कैम होते हैं, तो स्कैमों से बच के रहो, अपना सिर्फ खुद आओ, जहाँ तक पैदल जा रहे हो चलो या अपनी गाड़ी चलो, इनके तो भरोसे रुको ही मत। क्योंकि यार हमें पता है भाई, काफ़ी बार आ रखे हैं, ये चीज़ है यहाँ, ठीक है। अब जैसे 2-3 बंदों से बात हुई, जिससे गाड़ी वाले से, हाँ 2500 रुपये सवारी है चलो आगे बर्फ़ दिखा के लाएंगे बढ़िया वाली है। और ये स्की के नाम पर देख लो ये क्या करा रहे हैं, तो भाई यही है, अपना संभल के रहो थोड़ा। यार ये देखो, ये इन्होंने बना रखा है ये टनल, जैसे अब एक बैठ के जाएगा रस्सी से बंधे हुए हैं, तो दूसरा ऊपर आएगा साथ ही साथ, देखना दिखाऊंगा दोनों सिंगल टाइम में। तो ये सही चीज़ कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में पैदल ही आएगा शायद। हाँ ये नीचे जा रहा है भाई, ये गया। सही चीज़ बना रखी है काफ़ी, ये इन्होंने खुद ही बना रखी है, कि कितनी तो बड़ा वह नहीं है। अगर हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में वापस, हीटर चला लिया फुल पे, शरीर ठंडा हो गया ना, थोड़ा नॉर्मल करेंगे। बाकी यार ये चिप्स का पैकेट, सॉरी कुरकुरे का पैकेट पड़ा था, ये देखो गुब्बारा, देखिए कभी इतनी हवा कुरकुरे में आई, यही है प्रेशर इफेक्ट, ये प्रेशर यहाँ पर एकदम बढ़ जाता है ना, तो फिर ये ऐसे फूल जाते हैं। तो अपना केलोंग एग्जिट ले लिया है, टाइम हो लिया है 5:50 यानी 6 ही बज गए हैं, तो देखते हैं बीच में और कोई स्पॉट मिला तो रुकते हैं, वरना अपना सीधा मनाली रुकते हैं, मनाली चलेंगे। क्योंकि यार नाइट से मनाली है यहाँ तो, और काफ़ी लिमिटेड है, और प्रॉपर ना स्नो भी नहीं है कि हम प्रॉपर वो स्नो हो एक लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, या फिर मतलब कि हमारे जैसे हो ना कि रोड पे हो बिल्कुल और पैरों के नीचे आ रही हो, दूर दूर दिख रही है, तो इसलिए ना यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है। तो यार पहुंच गए अपने अटल टनल का पोर्टल, कौन सा नॉर्थ पोर्टल है शायद ये वाला, जो अपना सिसु की तरफ वाला है लाहौल वाला, तो अब एंट्री ले रहे हैं इसमें। हाँ एक बात और बतानी थी आपको, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, हम अभी गए सिसु की नाइट से सिसु करेंगे, तो सिसु में क्या हुआ, वहाँ पर होम स्टेज वाले सबने मना कर दी कि होम स्टेज रेस्टोरेंट कोई भी टूरिस्ट को अटेंड नहीं करेगा या फिर रूम नहीं देगा, खाना नहीं देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ ना देव पूजा चल रही है और वो चलेगी 28 फरवरी तक। तो अगर सिसु प्लान कर रहे हो तो 28 फरवरी से पहले तो आपको रूम या रेस्टोरेंट वगैरह कुछ मिलना नहीं वहाँ पर, तो अपना देख के आना। तो यार मनाली पहुँच के हमने ले लिया अपना होटल, थोड़ा मॉल रोड के पास ही है, तो हम होटल तो मैं टूर आपको बाद में दूंगा, अभी मॉल रोड घूमने आए थे तो थोड़ा सा आपको मॉल रोड दिखाते हैं यहाँ की मनाली वगैरह की, कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो देख लो। बाकी ये मेन चौक है यहाँ का मॉल रोड का।
यार यहाँ पे ये चीज देखो मनाली में भाई, राम मंदिर का भव्य स्वागत के उसमें सारे दिए जलाते हैं यहाँ। ये सही चीज है यार, काफी दो दिन रह गए राम मंदिर को बनने में, बढ़िया चीज है भाई। बाकी ये अपनी मेन मॉल रोड आ गई है, देख लो भाई चहल पहल पूरी है। और अच्छी चीज पता है क्या है, न्यू ईयर के टाइम आते ना हम हदमार के 5 जनवरी के आसपास या 1 से 5 के बीच, भाई यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन अब यहाँ देखो एक नंबर। तो गाइस फाइनली बैक टू होटल रूम। होटल है हमारा भाई यहाँ मॉल रोड से ऊपर चढ़ते हैं हिडिम्बा टेम्पल के लिए रोड। हिडिम्बा टेम्पल तो मनाली में बहुत मशहूर है, जो भी आता है पता ही होगा। और हिडिम्बा टेम्पल से थोड़ा सा पहले ही है, इसी रोड पर कट जाएगा द हिमालयन ट्रेल। यार बहुत औसम होटल है और आपको दिखाऊंगा, रूम टूर दूंगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यार ये अपने दो कमरे, एक ये और एक ये, दोनों अटैच है अंदर से बरातों के से। ये देखो ये तो हो गया कॉमन रूम, ठीक है। वो जो रूम था ना वो यहाँ से भी अटैच है। और ये हो गया अपना वॉशरूम, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, ठीक है। और ये एक रूम है, लाइट जलाते हैं, लाइट कहाँ से और जलाता हूँ लाइटों को। ये देखो आप रूम, बहुत प्यारा रूम है भाई, बहुत प्यारा सही में, ठीक है। और यही सेम रूम उस साइड है जो उस गेट पे बताया मैंने, वहाँ थोड़ा मैसी हो गया है, वो सारे थके आ रहे आए थे तो कपड़े वपड़े फैला दिए। बाकी यहाँ से बालकनी है भाई, सुबह सुबह जो व्यू आएगा ना यहाँ मनाली का, ये देखो आप, ओ वाह यार भाई, ये सुबह सुबह व्यू के अगर आपको देखना है ना तो पार्ट 3 ज़रूर देखना, क्योंकि पार्ट 3 मैं जल्दी डालूंगा इसके बाद। बाकी लाइक शेयर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो।